टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन पहली पारी में 6 विकेट खोकर 300 रन बना लिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हिटमैन रोहित शर्मा का, जिन्होंने बतौर ओपनर बेहतरीन 161 रन बनाए। रोहित की ये पारी भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि उन्होंने जब भी टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है टीम को जीत मिली है। इस मुकाबले से पहले 5 टेस्ट मैच ऐसे रहे जिनमें रोहित ने शतक जमाया था। इन 5 में भारत को जीत मिली, 4 में तो पारी के अंतर से जीत मिली। रोहित शर्मा ने अपना पहला शतक नवंबर 2013 में अपने डेब्यू टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। तब उन्होंने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 177 रन बनाए थे। इस मैच में रोहित के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन ने भी शतक जमाया था। भारत ने ये मैच पारी और 51 रनों से जीता था। रोहित ने करियर के दूसरे टेस्ट में भी शतक जमाया था। उन्होंने नवंबर 2013 में ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 111 रनों की पारी खेली थी। ये भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के करियर का आखिरी टेस्ट मैच भी था। भारत ने ये मैच पारी और 126 रन से जीता था। रोहित शर्मा ने अपने करियर का तीसरा शतक 22वें टेस्ट में बनाया था। उन्होंने नवंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 102 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इस टेस्ट में रोहित के अलावा 3 अन्य भारतीय बल्लेबाज मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली ने भी शतक जमाए थे। भारत ने ये मुकाबला 239 रनों से जीता था। रोहित ने अपने करियर का 4था और 5वां शतक अक्टूबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। उन्होंने भारत की पहली पारी में 176 और दूसरी पारी में 127 रन बनाए थे। भारत ने ये टेस्ट मैच 203 रनों से जीता था। वहीं रोहित ने करियर का 6ठा शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अक्टूबर 2019 में जमाया था। तब उन्होंने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जमाते हुए 212 रनों की पारी खेली थी। भारत ने ये मैच पारी और 202 रनों से जीता था। न्यूज़ तक ब्यूरो।